गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ। और अभी चश्मे के लिए जाना है। सबसे पहले मेरे को चश्मा बनने के लिए दिया था मैंने फ्रेम, एक्सीडेंट में वो चश्मा ख़राब हो गया था ना, तो उसे मैं चला ही रहा था कुछ टाइम तक। मैंने 4-5 महीने मैंने निकाल दिया चश्मे से, बट अब मेरे को ज़रूरत है चश्मा। ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पैसों की भी दिक्कत थी, इस वजह से नहीं लिया था। और अब मैं दूसरी चीज़ आप लोगों को बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। गाड़ी से रिलेटेड कोई अपडेट आने वाली है आज के ब्लॉग में, और मैं हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्लॉग में बने रहिए, लास्ट में आपको आप लोगों को पता लग जाए, बट गाड़ी से रिलेटेड बड़ी अपडेट। सो बस अभी यहाँ से हम निकलते हैं चश्मा लेने के लिए। गोलू कह रहा है इसमें चश्मा बड़ा लग रहा है। भाई देख तू, तेरा चश्मा इसमें देख, कैमरे में नहीं दिख रहा तेरे को? अब सही लग रहा है। सही लग रहा है ना? कमेंट करके बता देना इसे। मैं लाइव शीशे में देख रहा हूं ना, जब लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ से हमारी सवारी निकल गई है घर के लिए। अभी मेरी बैंक वालों से बात नहीं। अच्छा सुनो, ये गाड़ी कहाँ तक आ रही है? मेरे अभी मैं ये बोल रहा था कि एक तो मेरे कंपनी वालों से बात नहीं, मतलब वो कह रहा था कि 1-2 बजे तक बताऊंगा भैया क्या अपडेट है, जो बायर है ना जो गाड़ी खरीदेगा। और दूसरा ये जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरा चश्मा खराब हुआ था, उसमें छेद हो गए थे, स्क्रैचेस आ गए थे काफी सारे। तो मुझे बहुत तरस आया गाइस, मैंने बनवा दिया। काफ़ी सारे स्केचेस आ गए थे, कौन कौन समझ पाया बता देना कमेंट करके। समझदार को सारा काफ़ी, जो ना समझे कोई बात नहीं। मैंने कई बार बोला है बनवा लो बनवा लो, अभी से नहीं समझ मारा मैं क्या बात करूँ। ठीक है, तो दूसरा ये कि चश्मा मैंने ठीक नहीं कहा था, क्योंकि वह फाइनेंस पता है, मैंने आपको बताया ना पैसा नहीं है, इतना फालतू की चीज़ें मैं वेस्ट कर पाऊँ। फिलहाल आज मैंने सोचा कि यार इतना टाइम हो गया, अब मैं गाड़ी का मैटर भी खत्म होने वाला, तो क्यों ना चश्मा ले लिया जाए। रोशनी ऐसे फैलने लगी थी लेंस पर, इतनी ज़्यादा खराब हो गया था। एक तो छेद ही हो रखा था चश्मे में, तो इस वजह से मैंने लिया नहीं था। वो 2-3 जगह से खराब भी हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो अब ले ही लेता। गोल भी लेने, गोल को भी लेना था, मैंने भी ले लिया। बाय वन गेट वन वाला, बाय वन गेट वन था, तो मैंने बाय कर लिया एक, तो गेट वन इन्होंने ले लिया। समझा 50-50 हुआ, 50-50 बोल रहे हैं। पैसा दिखा दूँगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो करिए मैंने से। ठीक है, कैश में कौन सा लिया भाई? पता यार ये भी छोटी गाड़ी है भाई। कैश में कौन सा लिया? कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ घूम रही। अबे छोटी नहीं है ये, एक्चुअल दिख रहा है तेरे को, तेरी इतनी आँखें खराब थी, समझ में आई? तो मैं, मेरी हाइट बढ़ गई क्या? देख हाँ, जो तू कह रहा है ना एक्चुअल में, जो वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ। अब चश्मा निकालने पर तो उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब चश्मा लगाते के साथ ही उसकी हाइट छोटी हो गई, तो वही चीज़ तेरे साथ हो रही है। छोटी हो गई है नहीं? चश्मा लगा, चश्मा लगा उतारने के बाद बड़ी हो गई गाड़ी की हाइट। नहीं, मेरी इसलिए छोटी हो गई, समझ समझे नहीं तुम अभी भी? नहीं, चश्मा लगा के धरती नीचे हो गई है। ये साला उल्टे उल्टे काम बता रहा, बताओ मुझे। ये बाइक कहाँ रही है मेरे? वहीं है जहाँ पे होनी चाहिए। मुझे नहीं लग रही ये छोटी, यार ये तो नहीं लग रहा मेरे को। अभी चश्मा लगा के गाड़ी, चश्मा उतार के देखो, चश्मा लगाया तो गाड़ी की हाइट देखो, अभी बताऊंगा। अब बड़ी हो गई गाड़ी, अब छोटी हो गई, मतलब दूर पास वाला फर्क पड़ रहा है, ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, और तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ ये नाली की गहराई नॉर्मल है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से कम गहराई है, यहाँ आके बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, तो डूब के मरने वाला है, मतलब ऐसे गहराई बढ़ती जा रही है। अच्छा, तुझे उल्टा दिख रहा, तेरा चश्मा गलत बन गया। नहीं मजाक नहीं कर रहा, तेरा चश्मा गलत बन गया। लौंडा स्मार्ट लग रहा है वैसे कुछ भी, क्लियर हो जाएगा। चल जल्दी से रो, आप जा खाएंगे। हमारे टफी के कैल्शियम की कमी होने की वजह से भाई इसके टांगों में फर्क आने लगा लोंडे की। अब इसकी दवाइयाँ चलाएंगे, बट दिक्कत इसके साथ पता क्या है? दिक्कत इसके साथ ये है कि ये दवाई खाता नहीं है और ये काटता है, तो इसी चक्कर में दवाई हमें से दे नहीं पाते, और इसको हो रही है बहुत ज़्यादा तकलीफ। देखो इसकी टांगों में फर्क दिख रहा है आपको, ये दोनों, ये टांग ऐसे मुड़ गई और वो वाली भी। अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ, समझ नहीं आ रहा सर, बट समझेगा धीरे धीरे। अब मैं इसका जो दवाई है ना उसे घोल के तब इसके मुंह में डालूंगा, तो अभी ट्राई करके देखते हैं। चलो अच्छा लग रहा है मेरे को, पुराने वाला भी है बहू ना, धूप हो रही है, काम कर रहा, बात तो कर ही रही है, वो बर्बाद ही जाएगा तो लड़की बाजी में। बताओ लड़की कैसा छुपा रहा है सेटिंग का फोन। लड़की से बात कर रहा, लड़की से रिकॉर्ड कर रहे हो? मैं रिकॉर्ड हो चुकी पारी पूरी तो नहीं। हाँ भाई मैं तो लोंडो से बात करूँ, यार दोस्त है मेरे तो बस। तो फोन दिखा दो। मैं हाँ फोन दिखा रहा हूँ, फोन दिखा रहा हूँ, फोन दिखा दो बस एक बार।
एक बार RUHI दिखाना मुझे। ये पता नहीं क्या नया चूतिया पापा इन्होंने पाल दिया, क्या अभी ये मेरे से फ़ोटो मांग रहे हैं। मतलब ये क्या सेंस हुआ कि आप फ़ोटो चाहिए? सारी चीज़ें जब मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करा दी तो तुम्हें फ़ोटो क्यों चाहिए? ये लॉजिक नहीं समझ हमारा। चलो देखते हैं, जो भी है फ़ोटो भेजता हूँ फटाफट और फिर अपडेट देता हूँ लेता हूँ। अभी अपडेट ये दिया है कि भाई वो कह रहे हैं कि अगर मैं अभी आपको बोलूँ निकलने के लिए तो अभी नहीं निकल पाओगे। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, आप मेरे को पहले बोलोगे फिर मैं देखूँगा ट्रेन अवेलेबल है या नहीं, बस अवेलेबल है नहीं या नहीं। मैंने कहा आप देखो पहले बताओ मेरे को फाइनल निकलना है नहीं निकलना, फिर देखता हूँ। क्योंकि बस तो अवेलेबल हो सकती है, चांसेस है बस से जाने के, बट ट्रेन से तो नहीं जा पाऊँगा। अब देखते हैं जैसे भी वो अपडेट देगा भाई फिर वैसे ही सीन रहेगा। हो सकता है आज ही निकल जाऊँ, हो सकता है कल निकलूँ, तो जैसे भी होगा आप लोगों को अपडेट देता है, ठीक है। सो गाइस फाइनली कल मेरी गाड़ी सेल आउट होने वाली है और कल वो पिक करने के लिए आ रहा है मेरा, मतलब परसों भी आ सकता था बट सीन ऐसा है कि आज बस थी अवेलेबल और मैंने बुक कर दी। एंड मैंने बोल दिया कि कल ही आप भेज दो, दिल्ली का डीलर है जो मैंने आप लोगों को शायद लास्ट व्लॉग में बताया था। तो ऐसा कुछ सीन, एक मिनट मैं पहले बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ, कहाँ टिक जाएगा, नहीं टिक रहा। तो डीलर है दिल्ली का और वो पिक कर रहा है, मीत करके नाम था, मतलब पंजाबी है भाई जो गाड़ी ले रहा है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा चलती है स्कूटर, इसी वजह से दिल्ली में उठा रहा हो। और मैंने बाकी इस डिटेल पर भेज दी क्या जो जो डॉक्यूमेंट्स थी वो सब चीज़ें भी ले ली। अभी मेरे को दिल्ली जाना जा रहा हूँ, वहाँ पर रखिए गाड़ी की दूसरी चाबी, ठीक है। मैं सामने का कैमरा ऑन कर लेता हूँ क्योंकि इससे हो रही है दिक्कत। हाँ, सबसे पहले तो जैन मान जी की आज मंगलवार है और हाँ मैं बताता दीदी क्या जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी की रखी दूसरी चाबी तो उन्होंने कहा था कि दोनों चाबी हैंडओवर करनी है। तो एक गाड़ी की चाबी तो मैंने कानपुर में दे दी थी जो ख़राब हो रखी थी, दूसरी चाबी मेरी मेरे पास ही है मेरठ में, तो उसे मैं लेके जाऊँगा। बाकी NOC की भी NOC की कॉपी की नीड पड़ेगी वो भी लेके जा रहा हूँ, और RC भी लेके जाऊँ, जो भी नीड पड़ेगी सारे डॉक्यूमेंट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो चाबी भी ले ली एंड मेरे कुछ सपने थे चाबी को लेके, मतलब मैं सोचा नहीं था कि ये चाबी भी देनी पड़ेगी। कुछ ऐसा सीन था कि ये चाबी मैं अपने पास फ्रेम में लगा के रखूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी है मेरे पास कि इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार था मुझे। एंड मतलब अभी तक मैं नॉर्मल था बट अभी जैसे जैसे इस गाड़ी का मुझे लग रहा है दूर जा रही है, मतलब दूर तो जाएगी ये चाबी, मेरे पास एकमात्र आखिरी सहारा था। लेकिन सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि इसे चाबी को भी देना पड़ेगा, मतलब मैंने इसके लिए ऐसा सोचा हुआ था कि इस चाबी को मैं फ्रेम करा के रखूँगा अपने पास और पूरी ज़िंदगी, मतलब एक शो पीस होता ना वो उस टाइप से रखूँगा एक मेमोरी के रूप में, बट ये भी मेरे हाथ से चली जाएगी, ये भी नहीं बचेगी। एंड देखते हैं, मतलब कोशिश करूँगा अगर ये बच गई मैं बोलूँगा कि यार वो चाबी अगर मैं नहीं दूँ, अगर ऐसा बोलूँ कि हो गई तो क्या ऐसा काम चल जाएगा या नहीं चलेगा, वो सब चीज़ें पूछ के फिर बताता हूँ आप लोगों को, कल अपडेट मिलेगी वो। तो कानपुर की बस के पास पहुंच गया, कल्पना ट्रैवल है ये जिससे जा रहा हूँ, ये बस है और ये देख लो भाई पूरी ये बस है अपनी जो आज जिसमें आज हमारी जर्नी रहेगी। बट ये खड़ी कितनी बेकार जगह है यार, देखना यहाँ, तो अंदर चलते टिकट विकेट चेक कराते हैं। यहाँ से यार बड़ी गंदगी है, 8वीं चलेगी भैया पूरे 8:30 चलेगी, 8:30 चलेगी, L4 लाइन, L3, L4, दिस इज माई कैबिन। सो ये है मेरा कैबिन और AC वेंट लगा हुआ है यहाँ पे, बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। बाहर एक माय गॉड चार्जिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट है, अभी थोड़ी देर में बताते हैं क्या क्या सीन है। अभी ₹500 खुले लेने के लिए आता है, मतलब 4-5 दुकानों पे इनसे सबको पूछा फ्रूट वालों का, सबने मना कर दिया, मतलब वही है देना नहीं चाहते कि कुछ ले ले तभी देंगे, तो वो सब चीज़ें थी। तो भाई की दुकान थी उससे लिए, ₹500 खुले उसने दे दिए और बस ये खड़ी 8:30 इन्होंने बोला ही था चलने के लिए, तो थोड़ा वेट ही करेंगे, आधे घंटे का टाइम है अभी हमारे पास चलने के लिए। पानी की बॉटल मैंने ले रखी है, बिस्किट्स भी रखे हैं बैग में, और कुछ तो मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी। डेली भैया इस टाइम चलती है बस 8:30? अच्छा, पहले तो 8:00 निकल जाती थी टाइम टू टाइम, अब आखिर वाले लेट हो रहे हैं। अच्छा, कितने पैसेंजर है आज?
मेरठ से अभी खा लिया। सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे किस टाइम? सुबह किस टाइम तक पहुँचेंगे? दादर नगर के आसपास जाएगी बस या किस किस जगह? वहाँ से दादर नगर कितनी दूर जाएगा? 5 रुपये लगेगा ऑटो वाले का। हाँ 5 रुपये लगेगा। अच्छा 5-10 रुपये भैया। ठीक है, हमारा रूट किस किस साइड से रहेगा भैया? दिल्ली हो। अच्छा दिल्ली से होते हुए जाएंगे, दिल्ली से ही आती है बस। तो अभी लग रही है भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, दिख रहा है पसीनों से ना सर? ये देखो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी 15 मिनट है चलने के लिए, मैं जब भी टाइम से आ गया था मतलब 8:07:54 पर आ गया था, बट 8:30 बस चली गई, क्योंकि आप लोगों ने शायद सुन ही लिया था, मैंने आप लोगों को सुना दिया था सारी चीज़ें भाई से जब बात कर रहा था मैं। अभी इसका वॉशरूम देखा था मुझे आज, मैंने पहली बार देखा कि इसमें वॉशरूम भी होता है, इसमें है या फिर मैंने पहले वाली में ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ सीन है। तो इनके वॉशरूम कितने स्वच्छ हैं कितने नहीं। अच्छा शू शू कर सकते हैं बस हम इसमें, ये देखो बस शू 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 करने का जुगाड़ है और कुछ नहीं है। चलो सही है, अभी किसी को इमरजेंसी में शू शू जाना हो। अभी तक एक भी मेंबर नहीं आया भाई, बस मैं ही हूँ और बुरा हाल है गर्मी में। बस स्टार्ट होगी तभी यहाँ पे कूलिंग होगी, पता नहीं कब जाके तो कूलिंग होगी। फिलहाल बैग रख दिया मैंने यहाँ पे, ये रहा बैग, दिल्ली से होते हुए जाएगी बस, अब देखते कितनी देर लगेगी ना चलने में अभी। और ये बस का हमारी डैशबोर्ड, और इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स तो खास दे नहीं रखे, बस ये मीटर दे रखे हैं, इस एक पेट्रोल का और एक टेम्परेचर का होगा, बाकी ये तीन चीज़ पता नहीं किस चीज़ की है, और ऐसे कुछ खास बता नहीं। USB के लिए यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है, इंडिया में है ये बस, तो जुगाड़ तो हो गई होगा, तो वहाँ पर चार्जिंग करने के लिए पॉइंट भी दे रखा है सॉकेट वाला। यहाँ पर कुछ बटन से शायद म्यूजिक सिस्टम के हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, भोले बाबा। बच्चे से सफ़र कटवा देना, ये बिना किसी टेंशन के बिना किसी प्रॉब्लम के घर पहुंच जाए बस। अभी दिल्ली पहुंच गए, और हाँ मैं आप लोगों को बता दूँ यार, क्या बताऊँ मैं, सभी फ्रंट कैमरा ऑन कर दो फिर तक, ठीक है अभी ठीक है ना, मुझे देख के बात करो, मैं अपनी बात रख पाऊँगा। अभी जा तो रहा हूँ, चलो सब चीज़ ठीक है, गाड़ी सेल भी सेल नहीं हो रही, अब काम भी हो रहा है प्रोसेस का, बट अभी पता नहीं यार जगह जानी पहचानी से गाड़ी, ये नहीं समझ आ रहा कौन सी जगह है सेक्शन, लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी तभी पता लग पाएगा कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं, वरना ऐसे नहीं पता लग पाएगा। चलो ठीक है, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अब टेंशन पता क्या कि कल को अब जब मैं शोरूम पहुंच जाऊंगा वहां पे जो गाड़ी खड़ी है, पार्किंग चार्ज और एक अमाउंट का जो परसेंटेज है, वो सब चीज़ें टेंशन देती है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कितने पे वो लोग मांगे, कितनी का किस हद तक बार्गेनिंग करनी है मुझे, तो वो सब चीज़ें हैं। तो आई होप मैं मतलब या मैं ना ज़्यादा मैं मुझसे ना हो नहीं पा इतना नहीं हो पाता कि हाँ मैं कर पाऊँ बहुत ज़्यादा कर पाऊँ, यार ठीक है आप जितना कर सकते एक बार मैं कर दूँ इतना हो जाएगा यानी, बट दिक्कत ये है कि मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो सारा का सारा एज इट इज़ ऐसे ही चला जाएगा गाड़ी में, अगर मेरा वहाँ पे पैसा गया शोरूम पे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये कुछ सीन है। और अभी फिलहाल अभी हम सो जाते हैं, और कल सुबह मिलते हैं आपको इस ब्लॉग में, आज ब्लॉग नहीं लाइक।